दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको यह मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है, डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आई की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वैभवी सांडिल्य नाथन जोसी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरे चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर, जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज्यादा टेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक रेशे में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वे वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुरुगो द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में के हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्त अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वैभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा, निकितिन धीरी, चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में के हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वेभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरी चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वे वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में के हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्फ ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैने वेभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरी चिकन्ना सुक्रता वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो से जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गो द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में के हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैने वेभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरी चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वे वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में के हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्फ ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वैभवी सांडिल्य नाथन जोसी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरी, चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों तो तो हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अधिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुरुगों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में के हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वैभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरे चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अधिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक रेशमय व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वे वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में के हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आई की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैन वैभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरे चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों तो अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी टिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और क़ैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है अधिकारी से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में के हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आई की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वेभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा, निकितिन धीरे चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंट्रिस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स आके में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है अधिकारी से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में के हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको यह मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वेभवी सांडिल्य नाथन जोसी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरे चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी तो को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक रेश्य में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लोलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में के हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्त अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वेभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरी चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स आके में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गो द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक, एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्फ ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैने वेभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरी चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वे वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में के हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्फ ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अन्वेषी जैनी वैभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरे चिकन्ना सुक्रता वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो से जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुरुगों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में के हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक, एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्फ ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वैभवी सांडिल्य नाथन जोसी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरी, चिकन्ना सुक्रता वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अधिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वे वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में के हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वैभवी सांडिल्य नाथन जोसी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरे चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंट्रिस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुरुगो द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में के हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आई की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वैभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरे चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अधिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स आके में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक रेशमय व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में कि हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आई की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वैभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरी चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और क़ैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वे वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है अधिकारी से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आई की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वेभवी सांडिल्य नाथन जोसी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरे चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है अधिकारी से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में के हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्त अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वेभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरे चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन है मूवी की टा टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वे वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक, एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्फ ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वैभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा, निकितिन धीरी, चिकन्ना सुक्रता वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की कि लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गो द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्फ ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वैभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा, निकितिन धीरी, चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वे वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में के हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वैभवी सांडिल्य नाथन जोशी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा, निकितिन धीरी, चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में के हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार धमाकेदारी भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्फ ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैनी वैभवी सांडिल्य नाथन जोसी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरी, चिकन्ना सुक्रता वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अधिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में के हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात पॉइंट छः की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्फ ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैने वेभवी सांडिल्ले नाथन जोसी जार्जिया एड्रियानी आरा साहा निकितिन धीरे चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी टिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक रेश्य में व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों द्वारा मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के में के हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इनफॉमेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मार्टिन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में मार्टिन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मार्टिन जी हाँ दोस्तों ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों ए पी अर्जुन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में मूवी को दोस्तों आई की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और साथ ही साथ गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सत्तावन परसेंट तक लाइक भी किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ध्रुव सरजा अनवेषी जैने वैभवी सांडिल्य नाथन जोसी जार्जिया एड्रियानी आरा सा निकितिन धीरी चिकन्ना सुक्रथा वागले अच्युत राव नवाब साहा श्रीराम रेड्डी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे सत्ताईस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को आप कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों हाल ही में तो ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अधिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मूवी में स्टोरी लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है मूवी की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों पाकिस्तान में एक रेशमय व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वे अपनी यादाश्त खो देता है और आक्रामक हो जाता है व्यक्ति की आक्रामकर्ता उसे पकड़ लेती है और कैद कर लेती है फिर भी वे जेल से भाग जाता है और पाकिस्तानी स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यादें वापस पाने में कामयाब हो जाता है जिनसे वे लॉलीपॉप बेचने वाले बच्चे हथियारों के डीलर और एक सहयोगी रेजिना से मिला था व्यक्ति को पता चलता है कि वह वास्तव में एक आई आर एस अधिकारी अर्जुन सक्सेना है हालांकि रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर द्वारा की जाती है जो अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है अर्जुन अपने दोस्त परशुराम जो एक आईपीएस अधिकारी है अधिकारी से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विवेक जो कि एक एमएमए फाइटर है मार्टिन से खतरे में है अर्जुन एक मालवाक नाम के जरिए मुंबई आता है और परशुराम से मिलने अंधेरी रेलवे जंक्शन पहुंचता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुर्गों मार दिया जाता है अर्जुन विवेक को सूचित करने की कोशिश करता है जो कि एक एमएमए मैच में, में है लेकिन विवेक भी मारा जाता है अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी मंगेतर प्रीति से फिर से मिलता है जहां वह प्रीति को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को लुभाने और पकड़ने की योजना बनाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता आज की इसी वीडियो में अब बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में के हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत